हेलो डियर 9थ क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है ऋषभ सिंह परियार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आप तक 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे दो तीन वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है क्योंकि लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल वन कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग नेशनल साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में लेवल टू के क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े हायर लेवल के थे उन्हें आज हम डील करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं ये कुछ टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू पैटर्न ये एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है टेस्ट और यहाँ पे चार ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक जो होगा वो करेक्ट होगा योर टेस्ट ड्यूरेशन बिगिंस एज सून एज यू व्यू द फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे ही पहला क्वेश्चन देखते हैं जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो शुरू हो जाएगा

क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस टू मूव फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस विल अन सेव योर आंसर नेक्स्ट या प्रीवियस करने पे पिछला आंसर सेव हो जाएगा जिस पे आप करेंटली वर्क कर रहे हैं ओके okay. फिर क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू मार्क क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट क्लिक ऑन नोट्स इन राइट हैंड टॉप कॉर्नर टू टेक नोट्स अगर आपको उस क्वेश्चन का नोट लेना है तो आप राइट हैंड कॉर्नर पे टॉप कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं न बी रिव्यूड लेटर आफ्टर दी टेस्ट इन माई नोट सेक्शन और इसको फिर आप बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं माई नोट सेक्शन में क्लिक ऑन दी एंड टेस्ट आप एन टेस्ट पर क्लिक को कंप्लीट कर सकते हैं यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और रिव्यू एनी ऑफ द्वेश्चन अ टेस्ट सो प्लीज मेक श्योर टू रिव्यू ऑल द्वेश्चन बिफोर एंडिंग इच्छे से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लें क्योंकि एक बार अगर आपने एंड कर दिया तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते वंस यू कंप्लीट अ टेस्ट द रिजल्ट विल बी अवेलेबल इमीडिएटली रिजल्ट विल भी अवेलेबल टू यू लेटर द रिपोर्ट्स एंड एनालिसिसक्शन और रिजल्ट आपको इमीडिएटली वहां तो दिखेगी साथ ही साथ में आप रिपोर्ट्स और एनालिसिस सेक्शन में अपने रिजल्ट को देख सकते हैं रिमेंबर देर इज नो नेगेटिव मार्किंग कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि इस टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह आपके कंसेप्ट को री इन्फोर्स करना है ना कि आपने जो गलतियां की हैं उसके लिए पॉइंट आउट करना आपको ओके सो देर आर नो नेगेटिव मार्किंग इन दाइन चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट ये पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है आइस अंडरगोज सब्लिमेशन इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर्स जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर्स होते हैं जिनमें फ्रॉस्ट नहीं जमती है वह आइस डायरेक्टली सब्लाइम सब्लिमेशन शो करती है बिल्कुल सही है जब वो डायरेक्टली सब्लिमेशन शो करती है इसीलिए तो फ्रिज से पानी नहीं बहता आइस पे कलने के बाद आइस के पिघलने के बाद फ्रिज में से पानी नहीं बहेगा अगर आप डिफ्रॉस्ट करोगे या फिर आप उसको हाँ डिफ्रॉस्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं ना आजकल जो फ्रिज आते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर्स आते हैं उसमें से पानी कहाँ बहता है सीधा आइस जो होती है वो सबलाइन होके सबलाइन सब्लमेशन प्रोसेस के थ्रू जाके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है वॉटर बॉइल्स बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ऑन माउंटेन पीक सौ डिग्री के नीचे ही वॉटर बॉयल हो जाता है माउंटेन पीक्स पे हमने पढ़ा है क्योंकि उधर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो लो टेम्परेचर पे ही जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वॉटर का वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ओके ओनली दो सबस्टेंसेज वेपर प्रेशर बिकम्स हायर दैन दटमोस्फेरिक प्रेशर मच बिफोर दियर रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंटेबल ऑफ गोइंग ऑफ अंडरगोइंग जिनका वेपर प्रेशर प्रेशर से ऊपर निकल जाए बिफोर बे, बे, एटमॉस्फेरिकेशअर मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर है बट अभी जो टेम्परेचर पहुंचा है वो सिर्फ यहीं तक पहुंचा है मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं पहुंचा है यहीं पे इस सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर को ऊपर निकल गया है मतलब ज्यादा हो गया है तो यहीं पे ये सॉलिड सब्लिमेशन शो कर देगा तो वही सॉलिड सिर्फ सब्लिमेशन शो कर सकते हैं जिनका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर देता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, okay. सो so ये स्टेटमेंट सही है आइस मेल्ट अब जीरो डिग्री सेल्सियस एट माउंटेन पीक ध्यान रखिएगा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो आ, एक बढ़ जाता है अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर कम हो जाए तो इसके हिसाब से अगर आप देखें कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस वेन द प्रेशर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीजेस तो आइस मेल्ट अबब जीरो डिग्री सेल्सियस माउंटेन पीक्स बिल्कुल सही है क्योंकि माउंटेन पीक पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियसली चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ये स्टेटमेंट भी सही है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल आर करेक्ट होना चाहिए ठीक है चलिए चेक करते हैं ओके ऑल आर करेक्ट

और एस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है देखिए एक बार सही है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है नहीं इसका जो अटोमिक नंबर है वो बी है और इसका जो अटोमिक नंबर है वो बी प्लस वन है बी प्लस वन मतलब बी से एक ज्यादा है अटोमिक नंबर और जितने नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस के पास एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है तो हम यू कहेंगे कि पी और एस जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड क्यू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दोनों के पास न्यूट्रॉन्स जो है और क्यू ये दोनों का बी है अटोमिक नंबर इसका मतलब इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इन शॉर्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया है

इसका अटोमिक नंबर है बी माइनस वन है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया पी एंड एस आर आइसो बार्स चलिए देखते हैं पी एंड एस एस आर आइसोबार्स तो देखिए आइजोबार्स का मतलब क्या होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास का मास भी ए है P का मास भी A है S का मास भी A है तो मास तो सेम है और अटोमिक नंबर डिफरेंट है तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा टू और फोर यहां पे करेक्ट हो गया है चलिए चेक करते हैं एंड फोर करेक्ट फाइन चलिए नेक्स्ट स्टडी द गिवन केयरफुली इस फ्लो चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिए ये वही है है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का दिया हुआ ओके फाइन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए ड्यूरिंग स्टेप वन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर फर्स्ट टू फॉर्म लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पीछे जाके फ्लोचार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है देखिए क्या बोला हुआ है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉलिड फॉर्म में जमा होती है लिक्विड तो बनाता ही नहीं है ना कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप उसे ठंडा करोगे प्रेशर बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन इज एट्टी थ्री है जहां तक मुझे याद आ रहा है हमारी एनसीईआरटी में हमने देखा था वहां फ्रैक्शन टू जो था उसका आर्गन था फ्रैक्शन टू उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वाज एक्चुअली माइनस वन एट्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ना किन एट्टी थ्री तो हमारा यह वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है द एयर इज कंप्रेस इन स्टेप वन सिंपली बाय अपलाइंग हाई प्रेशर इन हाई टेंपरेचर पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है देखने के लिए हाई टेंपरेचर पे एयर को आप कैसे कंप्रेस करोगे आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तो यह भी गलत हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्रैक्शन थ्री इन एयर इज ट्वेंटी पॉइंट नाइन 20.9 जो है ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है फ्रैक्शन थ्री का तो फ्रैक्शन थ्री जो है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है मतलब ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस वन एट्टी थ्री और नाइट्रोजन का होता है ये फ्रैक्शन वन जो था वो नाइट्रोजन था तो इट वाज माइनस वन नाइनटी सिक्स तो माइनस वन नाइनस वन एटी थ्री इसका बिल्कुल सही है ज्यादा होगा ही फ्रैक्शन थ्री का और फ्रैक्शन थ्री जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उन्हें बोला है उसका परसेंटेज जो एटमोस्फियर में है दैट इज ट्वेंटी पॉइंट नाइन और हमें पता है ट्वेंटी पॉइंट नाइन जो गैस एटमोस्फियर में है दैट इज ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी सही होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं बोला उनने हमें चार चीजें दी देखो ध्यान से देखिएगा हमें दिया है H2O, हमें दिया हुआ है CO2, टू okay, ओके हमें दिया है CH4 और हमें दिया हुआ है O2. ठीक है अब हम यहां एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से और हम हर पार्ट का आ, एक मिनट हम हर पार्ट का एक आ, वो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है सी एच फोर एंड ओ टू तो यहां हम हर पार्ट का अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे ठीक है ये एच टू है ये सी ओ टू ये सी एच फोर ये ओ टू और उन्होंने बोला है सारी चीजें अठारह ग्राम है अठारह ग्राम है फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास

और इसको आप ऊपर ले आए okay. तो इसके number of particles, H2O के आ into 10 to the power 23. आ गए गया हाइड्रोजन वॉटर ठीक है अब बाकी जगह में यूज कर लूंगा सी एच फोर के लिए ठीक है अब CH4 का देखते हैं

18 को हमने 16 से डिवाइड किया तो आया ये 2. पॉइंट लगाओ 0 1 जा 16 आया 4 0 हो जाएगा 16 2 जा 32 आया 8 तो ये आ गया 1.12 है ना 1.12 आया अब 1.12 1.12 इनटू 6.022 है तो चलिए कर लेते हैं 6.022 इनटू 1.12 टू टू ज़ा फोर टू टू ज़ा फोर टू जीरो जो जीरो टू सिक्स जै ट्वेल्व और फिर टू टू जीरो सिक्स टू टू ज़ीरो सिक्स चलिए चार चार पाँच छ ये हो गया चार चार छ सात और छ एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच सिक्स पॉइंट सेवन फोर सिक्स पॉइंट सेवन फोर फोर इंटू टेन टू तो द पावर ट्वेंटी थ्री यह आ गया फॉर सी एच फोर हमने सी एच फोर के लिए भी निकाल लिया ठीक है ये उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए ओके okay. अब हम बाकी जगह को यूटिलाइज कर लेंगे हमारे बाकी दो के लिए ठीक है सो so, हमें काम करते हैं सबसे पहले O2 का ही निकाल देते हैं है ना उसके बाद हमारी जगह आ, सेफ हो जाएगी सो गिवन मास हमारा गिवन मास कितना है 18 और मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का दो हैं एक का 16 होता है तो दो हैं तो ये हो गया 32 इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन 23 टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री टू एन सो अब हमें क्या करना है एटीन uh, को पहले तो थर्टी टू से डिवाइड करो हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं टू नाइन एटीन टू वन जो टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है सो so, नाइन को हमें डिवाइड करना है सिक्सटीन से सिक्सटीन जीरो नाइन ओके फिर पॉइंट लगाओ जीरो सिक्सटीन फाइव जिक्स थर्टी का जीरो कैरी गया थ्री फाइव वन जो फाइव सिक्स सेवन एट सिक्सटीन फाइव ज एटी ये बच्चा वन जीरो और जीरो और सिक्सटीन फाइव जी ये है तो सिक्स ज़ा कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स और थ्री सिक्स वन जो सिक्स सेवन एट नाइन्टी सिक्स आंसर आ जाएगा फोर आखिर में तो जीरो पॉइंट फाइव सिक्स आ गया ठीक है यह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जीरो पॉइंट फाइव सिक्स आ गया तो अब मैं यहां पे O2 के लिए 0.56 लिख देता हूं ठीक है अब 6.0 6.022 को आप 0.56 से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स टू ज ट्वेल्व का टू कैरी गया वन सिक्स टू ज ट्वेल्व थर्टीन का थ्री कैरी गया वन सिक्स सिक्स 36, सिक्स ओके देन फाइव टू ज टेन का जीरो कह रही 10 इलेवन का वन कैरी गया वन फाइव सिक्स जटी और जीरो 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 कितना हो गया टू थ्री यह हमारा हो गया टू सिक्स सेवन थ्री एंड थ्री एक दो तीन चार पाँच एक एक दो तीन चार पाँच थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू इसका आंसर आया थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो so, हमारा ऑक्सीजन भी आ गया 3.37 पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स लास्ट बचा है अब हमारा सीओ टू चलिए सो अठारह हमारा हो गया गिवन मास कार्बन हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थर्टी टू फोर्टी फोर सो एटीन अपॉन फोर्टी फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टेन टू ट्वेंटी थ्री ओके सो ये कितना हो जाएगा टू नाइन एंड टू ट्वेंटी टू

सो फोर जीरो नाइन नाइन टू जटीन का एट कैरी गया वन नाइन टू जटीन नाइनटीन ट्वेंटी मेरे ख्याल में ये भी ज्यादा ही जा रहा है तो हमें और एट जहा करना पड़ेगा एट टू जिक्सटीन का सिक्स कैरी गया वन एट टू जो सिक्सटीन सेवनटीन वन सेवनटी सिक्स एटी सिक्स नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन एट नहीं जा तो रहा है नाइनजा से भी जा रहा है है ना नाइन टू जो एटीन का एट कैरी गया वन नाइन टूजा एटीन नाइनटीन वन नाइनटी एट जा रहा है बिल्कुल 0.409, ओके okay. सो so, ये हो गया जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू जीरो पॉइंट फोर जीरो बड़े भारी कैलकुलेशन है भाई शांति से करिएगा

टू एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छू पॉइंट फोर सिक्स आ गया आंसर ओके सो टू पॉइंट फोर सिक्स अब बताइए भाई बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद हमने इसे सॉल्व किया तो सी एच फोर में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं उससे कम है हमारे पास एच टू ओ में उससे कम है हमारे पास ओ टू में और सबसे कम है हमारे पास सीओ टू में है ना, so, फिर सीओ टू चलिए अब हमारा ये कहां से मैच हो रहा है चलिए चेक करते हैं है ना? ये कहां मैच हो रहा है चलिए चेक करते हैं सी एच फोर ओके एच टू ओ फिर ओ टू एंड फिर सी ओ टू है हमारा है ना जिसमें सी ओ टू के सबसे कम है ऑप्शन डी इज करेक्ट बड़ी मेहनत के बाद सही आंसर आया ओके okay. आगे बढ़ते हैं

है ना और उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस होगा तो ये हमारा हो गया गैस अब वैसे देख लें सॉलिड और सॉलिड किसको दिया हुआ है एक्स में एक ही सॉलिड दिया है हमें तो और जेड में उसका गैस भी लिखा हुआ है वाई वाला मॉडरेट प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर बट हमारे ग्राफ के कर्व के एग्जैक्ट पॉइंट पे y आ रहा है जिसके लेफ्ट पे x है और राइट right पे z है मतलब x पे सॉलिड है और वहां गैस है यहां लिक्विड मिलेगा यहां लिक्विड मिलेगा यहां पे सॉलिड भी एग्जिस्ट कर सकता है तो सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये पॉइंट y हमारा रहेगा इसका और वैसे भी अगर आपको इसमें डाउट हो ये बिल्कुल सही दिया है अगर इसमें डाउट हो तो भी हमारे दो ऑप्शन ने हमें कंफर्म कर दिया है कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी होगा इसका ओके okay, करेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गौरव अ क्लास नाइन स्टूडेंट क्लासिफाइड अ फ्यू मिक्सचर्स आर शोन इन द टेबल ओके द मिक्सचर्स क्लासिफाइड इनकरेक्टली आर इनमें से किसको इनकरेक्टली मार्क किया है चलिए देख लेते हैं स्पॉन्ज इज अ सॉलिड फॉर्म सही है ब्लड प्लाज्मा जो है वो इमल्शन होता है बिल्कुल नहीं भैया ये गलत है बटर एक जेल है ओके मिस्ड एक इन वाटर इमल्शन नहीं है ये तो है तो गलत और मडी वाटर एक सॉलिड सोल है नहीं मडी वाटर मोस्टली जो होता है वो एक सस्पेंशन होता है ठीक है सो हमारे टू फाइव एंड सिक्स डायरेक्ट चेक कराए हमने इसको और टू फाइव सिक्स जो है वो हमारे गलत है उन्होंने क्या पूछा है इनकरेक्टली ही पूछा हुआ है ठीक है ये देखो लिखा हुआ इनकरेक्टली है, है ना? So, ये वही है है है? जो में 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 में, भी दी हुई है, colloids वाले ठीक चलिए करते हैं, हमारा टू फाइव और सिक्स गलत है, है ना? टू फाइव सिक्स ऑप्शन सी क्लियर ओके ठीक देखिए आगे बढ़ते हैं टल्स पी और क्यू जो है वो दो नॉन मेटल्स है इफिओ ऑफ नंबर ऑफ पी एटम्सिवली तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं पी एक्स ओ वाई ये हमने फॉर्मूला बना लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि हमारा जो नॉन मेटल पी है वो ऑक्साइड बना रहा है अपनी और पी का टोटल आइटम जितने भी ऑक्साइड्स में है, उनके साथ जो रेशियो है वो आ रहा है 0.33 ओके okay, तो चलिए हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे हम x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो क्लियर सो अब इस एक्सप्ल वाई को मैं ऊपर ले जाऊं और लिख दू x इज इक्वल्स टू जीरो

ये हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है अपना है ना तो मेरा रेशियो क्या आ रहा है one is to two. मतलब P का X की जगह आ रहा है और O के साथ आ रहा है, है तुण। तुण। अब O two है मतलब P की वैलेंसी रही होगी जो P की वैलेंसी है वो टू रही होगी और जो ये वन है ये वन जो है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी रही होगी क्रिस क्रॉस के टाइम पे ऐसा हो जाता है ना क्रॉस कनेक्शन तो हमारा P की वैलेंसी टू हो गई और ओ की वैलेंसी वन हो गई

P की वैलेंसी निकल आई फोर अब यहां मुझे कहीं मैच होता दिख रहा है क्या ये दिख रहा है फोर ठीक है P की वैलेंसी फोर आ चुकी है वैसे भी हमें आंसर एक तरीके से मिली गया है फिर भी हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो मैंने इसको क्या किया ऑक्सीजन वन था ये रेशो है ये तो सिर्फ रेशो है ये वन टू कुछ भी हो सकता है अब ऑक्सीजन की ओरिजिनल वैलेंसी है टू तो टू इज जस्ट डबल टू वन जो टू है वो एक का डबल है तो मैंने उसी रेशो को मेंटेन करने के लिए टू के भी डबल को फोर को यहां पे यूज कर लिया इससे इनका रेशो भी वन टू के फॉर्म में ही रहेगा और मेरा बैलेंस प्रकार हम अगले वाले का भी करेंगे किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा है अब यहां पर हो जाएगा क्यू एक्स है ना हमने यहां पर क्यू एक्स ले लिया फिर वही सेम चीज x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल देखिए जीरो पॉइंट टू फाइव वाई यह आ गया अब ये जीरो पॉइंट इधर आ जाएगा माइनस होने के लिए तो x माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फाइव वाई तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट सेवन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फाइव वाई तो हम सॉल्व करके क्या लिख देंगे थ्री ज़ा तो x इज टू वाई का रेशो आ गया वन इज टू थ्री एक्स इज टू वाई का रेशो आ गया वन इज टू थ्री अब इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए आगे अब ये वन इस टू थ्री को आप यहां अप्लाई कर दो तो Q1 और O3 ठीक है Q1 और O3 ये आ गया अब ध्यान से देखना आ, Q और O ये Q के पास थ्री होगा और O के पास वन होगा क्रिस क्रॉस होता है ना वैसे ही अब हमें क्या देखना है कि बस हमारी आ, जो रेशो है वो मेंटेन रहे तो ऑक्सीजन की ओरिजिनल वैलेंसी होती है टू तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ओरिजिनल बैलेंसी टू है वन का जस्ट डबल है टू तो थ्री का भी जस्ट डबल कर दो आप सिक्स थ्री का जस्ट डबल सिक्स क्यू की बैलेंसी है कितनी है, देखो सिक्स चलिए अब ऑप्शन डी को चेक कर लें एक बार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़े इफ थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम नाइनटी एट एम जी ऑफ एच टू एसओ फोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू H2SO4 लेफ्ट आर ठीक है सबसे पहले हम एक काम करते हैं 98 mg ऑफ टू H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पहले वो निकाल लेते हैं तो 98 mg को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 98 mg तो अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 98 अपॉन 1000 0.098 ग्राम्स ओके सो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है चलिए निकालते हैं गिवन मास कितना दिया है गिवन मास जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट या एक काम करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही निकाल लें क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे ना इसको माइनस करने के लिए ठीक है तो देखिए हम क्या करेंगे यह हमारा हो जाएगा नाइनटी एट है ना एच टू एस ओ फोर हाइड्रोजन टू प्लस सल्फर थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इन फोर ये पहले इसका मास निकाल रहा हूँ मैं थर्टी टू प्लस टू थर्टी फोर प्लस फोर सिक्स जो थर्टी फोर फोर वन जो फोर फाइव सिक्सटी फोर सिक्स सेवन एट एट ये आ गया ठीक है दिस इज दटो मोलिकुलर मास ऑफ एच टू एस ओ फोर तो अब हम नाइनटी एट यू आ गया हमारा है ना अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन नॉट सो गिवन मास कितना है 0.098 पॉइंट अपॉन मास कितना आया मोलर मास 98 एट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन नॉट एन नॉट जो होता है वो 6.022 पॉइंट जीरो टू टू पावर दावर ट्वेंटी थ्री होता है तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब एक दो तीन इधर पे लगा देता हूँ टेन टू दावर थ्री और इनको हटा दो यहाँ से ये बचा इससे ये कैंसिल हो गया और ये टेन टू दी पावर थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सिक्स पॉइंट क्या किया इतने मॉलिक्यूल्स को हटा दिया ठीक है तो कैसे हटाएंगे हम लोग सिक्स पॉइंट जीरो टू टू और थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन बोला है मैंने जीरो वन वन ले लिया क्योंकि हाफ होता है ना जस्ट उसके तो इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा थ्री पॉइंट जीरो आएगा ना आंसर है ना सो थ्री पॉइंट जीरो ट्वेंटी ये आंसर आ गया अब आप ध्यान से देखो जो ये थ्री पॉइंट जीरो कन्वर्ट करना है है ना पहले तो देखो मैंने क्या किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से जो इनने मुझे क्वेश्चन में दिया था कि भाई इतने पार्टिकल्स को आपको हटाना है इतने पार्टिकल्स को आपको हटाना है तो मैंने इतने पार्टिकल्स को हटा भी दिया अब मेरे पास ये फाइनल नंबर आया तो अब इस फाइनल नंबर को मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूंगा ठीक है सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर पावर ट्वेंटी थ्री इससे बचा टेन टू दावर थ्री और ये चला गया यहां से अब वन अपॉइंट टू तो होता है जीरो पॉइंट फाइव और ये टेन टू दावर थ्री जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा बन जाएगा टेन टू दावर माइनस थ्री ये लो आ गया आंसर इतने नंबर ऑफ मोल्स अब देखो कहा मैच हो रहा है हमारा ये मैच हो रहा है सबसे पहले ऑप्शन से इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट पी एंड क्यू पी और क्यू के करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है चलिए देखते हैं सबसे पहले पी की अगर हम बात करें तो एक दो तीन चार पांच P के पास आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है तो इनमें ऐसे दो ही हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है एक N है और एक P है ठीक है उसके बाद ये वैलेंस कितनी शो कर रहा है एक दो तीन ठीक है ये P है अब Q देखो एक दो तीन चार पांच छह और सात Q के सबके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो अब आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होना मतलब ये इसके पास भी सेवन है इसके पास भी सेवन है इसके पास भी सेवन है <coughs> तो एन और सी एल पी और सी एल ठीक है अब ध्यान से एक चीज और देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी एंड क्यू तो इन्हें यहां पे न्यूट्रॉन्स का नंबर भी दिया हुआ है सिक्सटीन एंड एटीन फाइव एंड सेवनटीन एट एंड नाइन अच्छा एक चीज देखो ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया ये वाला तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया इन्हीं के हैं जो दोनों सिलेक्टेड हैं तो अब इससे हम क्या देखेंगे आप देखो P और Q का जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो P और Q का साइज है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर थोड़ा सा जो P है वो हल्का सा साइज में बस मुझे आ, थोड़ा सा माइल्डली छोटा है बाकी बिल्कुल पी और क्यू का साइज जो है वो सिमिलर है वहीं पर अगर हम देखें तो पी और सी एल मतलब फॉस्फोरस और क्लोरीन ऐसे हैं जो बहुत पास पास हैं पीरियोडिक टेबल में तो उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में साइज का डिफरेंस है नाइट्रोजन में दो सेल है क्लोरीन में तीन है और साइज का देखो डिफरेंस हमें यहां देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम साइज भी देखेंगे साथ ही साथ में सो पी सी एल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहां बन रहा है पी क्यू थ्री

जिसमें से थ्री जो है वो लिक्विड है जो टू है वो सॉलिड है और जो वन है वो गैस है ये उसके पार्टिकल्स हैं। ओके अब ध्यान से देखिए स्टडी द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यहां कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एक्स क्योंकि इसका मेल्टिंग सौ दस डिग्री की तो माइनस एक सौ दस डिग्री तो इन टेम्परेचर से बहुत दूर है तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि नहीं भाई पार्टिकल जो सब्सटेंस एक्स है वो माइनस एक सौ दस डिग्री पे लिक्विड मतलब थर्ड के जैसा शो नहीं कर रहा है खुद को ओके पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एस इन डायग्राम वन एट रूम टेम्परेचर मतलब वाई को आप गैस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम वन के हिसाब से एट रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर है? So तो, तो 28 डिग्री होता है उधर पे गैस नहीं उधर पे तो ये लिक्विड के फॉर्म में ही है ओके okay. सो so ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन डायग्राम टू At minus 270 degree Celsius. मतलब X जो है वो वो पे पे है, है so, X जो है वो minus 270 degree Celsius पे solid है. तो माइनस टू सेवन मतलब इसके और पीछे माइनस टू सेवेंटी तो बिल्कुल सॉलिड है ये वाला सही है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट माइनस टू फिफ्टी नाइन है और माइनस टू फिफ्टी नाइन के भी और बाद में माइनस टू सेवेंटी आ रहा था तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पॉइंट सही है एंड इन द टेम्परेचर रेंज माइनस नाइनटी सेवन डिग्री टू नाइन फाइव डिग्री सब्सटेंस वाई एग्जिस्ट इन द स्टेट एज शोन बाय फिगर थ्री मतलब जो सब्सटेंस वाई है वो 90 से माइनस नाइनटी से 95 फाइव डिग्री के बीच में लिक्विड बन के रहता है तो देखिए जरा माइनस नाइनटी बोला है उन्होंने माइनस नाइनटी से कितना बोला है 90, uh, 97 से 95 डिग्री। बिल्कुल भी नहीं माइनस नाइन्टी फाइव पॉइंट टू से लेकर एक सौ पांच डिग्री तक वो लिक्विड रह सकता है टेंपरेचर रेंज यहां पे गलत दी हुई है तो ये वाला भी गलत हो गया और हमारे हिसाब से जो करेक्ट होना चाहिए वो कौन सा है सी ये वाला ठीक है चलिए चेक करते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द गिंग एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स दिए हैं चलिए देखते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्टेमेंट uh, सही है करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटोन इतना तो प्रोटोन नंबर मतलब अटोमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आता है आर्गन आर्गन से बड़ा है कैल्शियम आर्गन से और पहले है सीएल तो क्लोरिन आर्गन पोटेशियम फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन ये प्रोटॉन के नंबर के हिसाब से ऑर्डर है अब क्या ये इससे मैच हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है गलत कर दो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव अटोमिक मास इज सी एल के उन्हें बोला इंक्रीजिंग अटोमिक मास के हिसाब से जमा दो चलो वैसा कर लेते हैं एक बार देख देखिए सबसे कम मास किसका है यह है थर्टी नाइन ये है थर्टी फाइव यह है वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव एट्टी और फोर्टी तो सबसे कम है इसमें से थर्टी फाइव मतलब सी एल तो सबसे पहले है सी एल यह है प्रोटॉन के नंबर के हिसाब से और यह है मास के हिसाब से ठीक है तो क्लोरीन सबसे पहले आ गया फिर आ गया आप पोटाशियम पोटेशियम फिर आता है हमारा आर्गन ओके फिर उसके बाद आ, ब्रोमीन, बी आर और फिर उसके बाद है आयोडीन ये लीजिए आयोडीन अब ध्यान से देखिए ये आ गए हमारे पूरे ऑर्डर के साथ है ना अब तो मैच कर लें सी एल के ए आर बी आर आई ये स्टेटमेंट सही है पहला वाला गलत था दूसरा वाला सही है ठीक है फिर थर्ड द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ प्रोटोन नंबर एंड रिलेटिव अटोमिक मास आर डिफरेंट ठीक है द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ प्रोटोन नंबर एंड रिलेटिव अटोमिक मास आर डिफरेंट का मतलब है कि क्या इसका और इसका ऑर्डर अलग अलग है बिल्कुल अलग है यहां देखो ना बीच में ए आर के है ये के ए आर है ठीक है सो so, ये गलत हो गया नहीं 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 डिफरेंट ही बोला है ना बिल्कुल सही है नहीं यही बोला है ना डिफरेंट तो हाँ बिल्कुल डिफरेंट है ये सही है

टॉमिक नंबर है तो सेवन सिक्स फाइव फोर एंड 12, 11, 10, 9, 8, 7, 74 ये उसका प्रोटॉन नंबर है बिल्कुल भी नहीं गलत है ठीक है सो so, ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया गलत क्योंकि हमारा प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन uh, नंबर जो है वो कहीं से भी इक्वल नहीं है ठीक है कहीं से भी इक्वल नहीं है क्योंकि देखो इसमें सेवेंटी न्यूट्रॉन है फिफ्टी प्रोटॉन है और पहले वाले में ट्वेंटी न्यूट्रॉन है और नाइन्टीन प्रोटॉन है ठीक है सो so, हमारा दूसरा और तीसरा ये स्टेटमेंट सही है चलिए चेक करते हैं टू एंड थ्री क्लियर आगे एथलीट समटाइम्स गेट ड्राइव इन टू टेक ड्रग्स बाय दे डिजायर एंड आउटसाइड प्रेशर टू अचीव सक्सेस एंड एक्सेल इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट वन विद एथलीट्स कैन बी टेस्टेड फॉर द बैंड ड्रग्स इज बाय क्रोमेटोग्राफी ऑफ यूरन सैंपल एथलीट जो है वो ड्रग्स लेते हैं ताकि जीत सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो अब आपको ड्रग्स का टेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे एक ही तरीका है क्रोमैटोग्राफी और वो भी यूरिन के सैंपल की ओके द गिवन शोज सैंपल्स ये सैंपलटोग्राम दिया है जिस पे होती है उसे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं ठीक है सो द गिवन क्रोमेटोग्राम शोज सैंपल्स फ्रॉम फोर एथलीट्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड डब्लू एक्स वाई और जेड के चार एथलीट से वो दिख रहा है हमें ठीक है एंड द बैंड ड्रग्स वन एंड टू फॉलोइंगेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दफॉर्म ऑन दी फोर बोला बैंड ड्रग्स टू कहां पर दिख रहा है टू है तो मैं इसको red mark कर देता हूं. ये टू अब इनकी लाइन में जितने भी लोग आ रहे हैं जैसे ये है, है ना सो so, एक्स जो है उसका भी क्रॉस हो रहा है मतलब जो वन का लाइन है उससे देखो ये दो चीजें क्रॉस हो रही है एक्स और वाई तो एक्स भी वन वाला ड्रग ले रहा है और वाई भी वन वाला ड्रग ले रहा है और अगर दूसरे ड्रग की मैं बात करूं तो दूसरा ड्रग ले रहा है Y और दूसरा ही वाला ड्रग ले रहा है जेड ठीक है जिसमें से डब्लू जो है वो कोई भी ड्रग नहीं ले रहा डब्लू जो है वो कोई भी ड्रग नहीं जो बेटा खाली होल्स होते हैं ना ये ये जितने भी खाली होल्स होते हैं मतलब मतलब अन्य ये जो फालतू के ये बनाए हुए उनने गोले ये क्या बता रहे हैं कि कोई दूसरी चीजें हमें तो इनसे मैच करना है ये हमारे ड्रग्स के सर्कल है एक्स टेकन द बैंड ड्रग टू क्या एक्स ने ड्रग टू लिया है नहीं एक्स ने ड्रग वन लिया है ये गलत है ठीक है फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट निकालना हमें करेक्ट वाले स्टेटमेंट बताने वाई एंड जेड बोथ द बैंड ड्रग वन y और z दोनों ने बैंड ड्रग वन लिया नहीं y ने तो वन लिया है z ने टू लिया है ये भी गलत w and y have not taken any of the band drugs w और y w और y ने कोई भी ड्रग नहीं लिया है w ने तो नहीं लिया है y ने दोनों लिए हैं y has taken both the band drugs y ने दोनों बैंड ड्रग्स को लिया है बिल्कुल सही सो so, ये d ऑप्शन जो है वो हमारा सही है ओके <clears> नेक्स्ट <throat> okay.

चलिए इसे सॉल्व करते हैं यहां क्योंकि क्या है हमें Q का फॉर्मूला हमें बताना मोलिकुलर मासिकुलर मास क्या होगा दूसरा तो oxygen है. Oxygen का 16 होता है, में ही दे रखा है मास है है, निकालते हैं ना हम लोग एवरेज निकाल के जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए तो देखिए ध्यान से देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एवरेज एटॉमिक मास ओके So Q1 ये दिया हुआ है ये Q1 दिया हुआ है और ये Q2 दिया है और इनने बोला है कि इतने टाइम्स वो कार्बन के एटम से भारी है ठीक है भाई तो कार्बन के का एटम का मास होता है 12 और इसमें दिया है 8.082 है ना तो 8.082 टाइम्स कार्बन का आ, मास से भारी है टू टू 4, फोर टू एट जिक्सटीन का सिक्स कैरी गया वन टू एट सिक्सटीन वन टू एट जीरो एट कितना आ गया फोर सिक्स सेवन एट एट नाइन सिक्स एट नाइन नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन एट फोर यह आ गया यह आ गया नाइंटी सिक्स नाइन एट फोर इसका मास नाइनटी सिक्स पॉइंट नाइन एट फोर यहीं लिख देता हूं क्यू टू का मास है ओके okay. और दूसरा क्या दिया है उनने क्यू वन दिया हुआ है क्यू वन है सेवन पॉइंट एट थ्री थ्री

वन का मास आ गया ठीक है क्यू वन और क्यू टू दोनों के मास हमें मिल चुके हैं अब हमें क्या करना है से परसेंटेज देखना है। और क्या होता है? मास इन परसेंट अपॉन हंड्रेड प्लस मास इंटू परसेंट अपॉन हंड्रेड यही ठीक है।, है तो मास कितना है क्यू वन का देख लेते हैं पहले नाइनटी थ्री पॉइंट नाइन 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 फाइव 93.995 कितना परसेंट दिया है Q1 का देखो 23.4 ठीक है उसके बाद दूसरा 96.984 96.984 सिक्स कितना परसेंट दिया है Q2 का 76.6 76.6 ये आ गया अब इसको हमें सॉल्व करना है कैसे करें इसको सॉल्व देखिए

21.99 और uh, uh, हमारा हो गया 17 का 7 गया बन, 9, 10, 11, 12 का 2 गया का का एंड ये मेरा एवरेज अटोमिक मास आ गया क्यू का इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके okay. चलिए अब आगे देखिए ये स्क्रीनशॉट हमने इसलिए लिया भाई कि ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान रहनी चाहिए 96.27 आ गया है ओके okay, 96.27 अब देखो फॉर्मूला क्या दिया है Q O1 तो Q का तो 96.27 है O का है 16 तो कितना हो गया 6 और 6 12 का 2 कैरी गया 1 9 10 11 112.27 U ये आया है इसका मास अ uh, हमारे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड q o 1 और वो भी देखो यहां पे क्या बोला हुआ है उन्होंने एप्रोक्सीमेट आंसर तो मेरा 112 आया है यहां ऑप्शन में देखिए 112 दिया है तो 112.27 मेरा आंसर आ रहा है एप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 112 चलिए अब चेक करते हैं हमारा क्या आंसर बी सही है ओके okay, फाइनली हमारा आंसर सही है आगे बढ़ते हैं ओके okay. स्टडी द गिविन फिगर केयरफुलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और सही वाले को छोड़ देना है सोल्यूशन में कॉटन वूल हमने सोख के लगाया हुआ है और यहाँ कॉटन वूल को सोख के हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेटेड uh, सोल्यूशन में सोक करके लगा दिया है चलिए सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑफ दूब बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम डिफ्यूज फास्टरिया वाइट रिंग फॉर्म होगी जब भी अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और ये अमोनिया और जब एच सी एल रियक्ट होते हैं तो यह अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं तो इनका यह कहना है कि अमोनियम क्लोराइड की जो रिंग है वो ज्यादा एच सी एल के पास बनेगी एज कंपेयर टू अमोनिया क्योंकि एच सी एल जो है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एच सी एल से हल्की गैस है एन एच थ्री अमोनिया तो अमोनिया ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी ठीक है सो so, यहां पे जो स्टेटमेंट बोला है उन्होंने वो क्या बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स डिफ्यूज फास्टर देन अमोनिया तो भाई जब हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा फास्ट डिफ्यूज कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के पास बनने का क्यों अगर ये जल्दी तेजी से एच जो है उसके फ्यूम्स अगर ज्यादा तेजी से उड़ रहे हैं तो फिर तो यहां बनना चाहिए रिंग कहीं बट यहां थोड़ी ना बन रही है रिंग तो जो है वो हमारी इधर बन रही है एच के पास एच के पास क्यों बन रही है क्योंकि अमोनिया तेजी से डिफ्यूज होकर एच तक पहुंच रहा है ठीक है सो so, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अमोनिया टू दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विच कंबाइन टू फॉर्म थ्री पॉइंट सिक्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज वन एस टू थ्री नहीं एन एच थ्री के एक एटम से एच सी एल का भी एक ही एटम कंबाइन होकर और अमोनियम क्लोराइड बनाता है तो इनका रेशो वन इस टू वन का होता है वन इस टू थ्री का नहीं होता है

वाइट रिंग विल बी फॉर्म्ड एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब एक्जैक्टली सेंटर में वाइट रिंग बनेगी अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा अमोनिया की स्पीड तेज है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी इसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी ये भी और तेजी से आगे बढ़ेगा मगर ओवरऑल स्पीड तो पहले से ही अमोनिया की ज्यादा थी ना क्योंकि अमोनिया हल्का है एचसीएल भारी होता है एचसीएल मीन्स थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव का मास और अमोनिया NH3 मतलब होता है 14, 15, 16, 17 का मास तो 17 U और 36.5 U में बहुत डिफरेंस है ऑलमोस्ट डबल तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है तो हमारे कौन से हमें बताने हैं इनकरेक्ट इनकरेक्ट में वन टू एंड फोर है चलिए चेक करते हैं वन टू एंड फोर ऑप्शन सी ओके सो ये भी हमारा सही है और इसी के साथ यहां पे हमारे ये एमसीक्यू का सेट होता है कंप्लीट अब देखिए अगर आपको अपने वीडियोस को सर्च करने में यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला सजेशन तो देखिए ये होता है कि आप प्लेलिस्ट को ढूंढें और प्लेलिस्ट ढूंढ लेंगे तो आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे अदरवाइज आप मैग्नेट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज पे जा सकते हैं और वहां जाके आप देखेंगे अपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप जब देखोगे तो आपको लिस्ट मिलेगी वहां पे सारे कोर्सेज की उसमें आप ओलंपियाड पे क्लिक कीजिएगा ओलंपियाड पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ओलंपियाड यहां पे आपको दिख जाएंगे देखिए नेशनल साइंस ओलंपियाड केमिस्ट्री बायो मैथ्स सोशल सोशल साइंस साइंस में हिस्ट्री यहाँ ज्योग्राफी है इंग्लिश ओलंपियाड है और जनरल नॉलेज ओलंपियाड है यहां सारी चीजें आपको दी हुई है वॉचनाओ पे हमने केमिस्ट्री पे क्लिक किया फॉर एग्जांपल जैसे आप केमिस्ट्री देख रहे हैं वॉचनाओं पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा यहां पे पूरी डिटेल्स दी होंगी कोर्स की और यहां पूरे आ, वीडियोस होंगे अब वीडियोस पूरे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में है और हर वीडियो को जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें ऑर्डर वाइज बिल्कुल सारे वीडियोज अरेन्ज होंगे ठीक है जितनी बार जो वीडियो देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं ही वीडियो प्ले करेंगे YouTube का प्लेयर यहीं पे वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा और आप अपना वीडियो सीक्वेंस में देख सकेंगे मैग्नेट से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एनसीआर स्टेट बोर्ड एन टी एस सी ओलम्पियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको हंड्रेड परसेंट फ्री में अवेलेबल कराते हैं मैग्नेट ब्रेन पे दो तीन वीडियो देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता नहीं कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ सारी चीजें हंड्रेड परसेंट फ्री वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ सो so आप वीडियो को लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वाचिंग मैग्नेट ब्रेन्स फॉर मोर वीडियोज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनएसओ केमिस्ट्री थैंक यू